काका राम राम, काकी राम राम, चुनाव आ रहे हैं फिर, भाजपा का ध्यान रखना। राम राम। राम राम भैया, राम राम। चुनाव आ रहे हैं, भाजपा का ध्यान रखना। हाँ, 15 साल से तुम्हारी भाजपा ने जो हमारा ध्यान रखा है। अरे शहर की सड़कों में इतने गड्ढे हैं कि पता ही नहीं चलता कि सड़क में गड्ढे हैं कि गड्ढे में सड़क। और वो स्विमिंग पूल, उसमें तैर तैर कर हमारे बच्चे कितने मेडल ला रहे हैं। नाम का रुधी में ग्रोथ सेंटर बना रखा है। घर में मेरा बच्चा है ना, वो खुद बेरोजगार बैठा है। और वो रिंग रोड नक्शे से निकल कर बाहर आया कि नहीं। अरे शहर में से भारी लोडिंग वाहन निकलते हैं, बहुत अच्छा लगता होगा, है ना? सुबह अगर तेज बारिश हो जाए ना तो पूरा शहर तालाब बन जाता है। अब इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं भैया, विकास कार्यों के पैसों से तुम्हें विधायक जो खरीदने होते हैं, और सत्ता की लालच में तुम्हारी ये भाजपा इतनी अंधी हो चुकी है कि उसने हमारे बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दिया है। तो भैया हमने भी ना अब भाजपा के बारे में सोचना बंद कर दिया है। इस बार हमारा जो वोट है ना, कांग्रेस से कुंदन मालविया को जाएगा। राम राम दीदी, अरे कहाँ फंस गया था रे? जी हाँ, विकास की यही पुकार, कुंदन भैया अब की बार। जय श्री राम। मैं कुंदन मालवी, आपका बेटा, आपका भाई, दीपावली के पावन पर्व पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। प्रभु श्री राम के लंका विजय के पश्चात घर आगमन पर जो स्वागत हमने सदियों से किया है, आज वही त्यौहार हमारे लिए खुशी का विषय है। मैं आप सबको इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ये निवेदन करता हूं कि भय और आतंकों को खत्म करने के लिए प्रभु श्री राम के आगमन पर मनाई जाने वाली ये दिवाली इस बार कांग्रेस के साथ और अगले 5 साल तक कांग्रेस के साथ मनाएं। जय श्री राम।